नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रही। मंदसौर गोलीकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि शिवराज सरकार किसान हितैषी है तो जेन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कराएं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा कि चर्चा की बात ना हो, इसलिए सरकार चर्चा से भागती नजर आ रही है। विपक्ष की भूमिका है कि वो जनता के मुद्दों पर चर्चा कराएं, लेकिन सरकार की नियत में खोट है, इसलिए वो चर्चा नहीं करा रही। वहीं उन्होंने सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा कि मंत्री सदन में गलत जवाब दे रहे हैं। जब चर्चा की तारीख तय ही नहीं है तो विपक्ष किस आधार पर आरोप पत्र दें? अगर सरकार चर्चा को तैयार है तो विपक्ष आरोप पत्र की पूरी सूची सदन को देगा। वहीं उन्होंने कहा कि फोटो सेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार सदन को पूरा नहीं चलाना चाह रही है, इसलिए फोटो सेशन की बात कर रहे हैं। किसान हितैषी सरकार, किसान का पुत्र शिवराज और उसके बाद हमारे विधायक साथियों ने और डंग ने, जो सुहासरा के विधायक है, सीतामऊ के विधायक है, उन्होंने बार बार सदन में बात कही कि जो पिपलिया मंडी गोलीकांड का मामला है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने सारे रिपोर्ट पहले की भी है उनमें भी चर्चा नहीं होने देते। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।